जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जबलपुर से चलकर वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते चांदा फोर्ट तक चलने वाली जबलपुर चांदा फोर्ट त्रि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोबारा से शुरू की जा रही है, जिसकी कल के वीडियो में हमने आप लोगों को समय सारणी के साथ ही ट्रेन की संपूर्ण जानकारी बताई थी। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। खैर चलिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन के स्टॉपेजेस को लेकर और साथ ही ट्रेन के एक्सटेंशन के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जबलपुर चांदा फोर्ट त्रि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस आगामी कुछ ही दिनों में दोबारा से शुरू होने जा रही है। और अगर आप लोग इस ट्रेन का जर्नी ब्लॉग वगैरह देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपना वोट जरूर कीजिएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को समय सारणी बताई थी, ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन जबलपुर जंक्शन से चलेगी और जबलपुर से चांदा फोर्ट के मध्य अपने चार स्टेशनों में हॉल्ट लेकर चांदा फोर्ट पहुँचेगी। लेकिन ट्रेन सिर्फ जंक्शन टू जंक्शन रेलवे स्टेशनों में ही हॉल्ट ले रही है। ट्रेन जबलपुर से चलने के बाद मदन महल, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट जंक्शन, गोंदिया जंक्शन और फिर चांदा फोर्ट रुक रही है। यानी कि ट्रेन सिर्फ जंक्शन टू जंक्शन रेलवे स्टेशनों में ही हॉल्ट ले रही है। लगभग 400 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर ट्रेन गिनती के चार रेलवे स्टेशनों में हॉल्ट लेकर अपना सफर पूरा कर रही है। ऐसे में जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया व गोंदिया से चांदा फोर्ट के बीच क्षेत्रीय जनता को इस ट्रेन का लाभ इस बार भी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इसी प्रकार कोविड के दौरान जब इस ट्रेन का संचालन किया जाता था तो भी सिर्फ यही गिनती के चार स्टॉपेजेस दिए गए थे। और अब ट्रेन का रिस्टोरेशन होने के बाद भी स्टॉपेजेस में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। वहीं जबलपुर चांदा फोर्ट त्रि साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक्सटेंशन बल्लार शाह तक किए जाने पर भी काफी जोर दिया गया, लेकिन ट्रेन का एक्सटेंशन बल्लार शाह तक नहीं किया गया है। ट्रेन सिर्फ जबलपुर से चलकर वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया होते हुए चांदा फोर्ट तक ही चला करेगी। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, चांदा फोर्ट से बल्लार शाह की दूरी महज 12 किलोमीटर है। दोस्तों ट्रेन का रिस्टोरेशन तो कर दिया गया, लेकिन इसके स्टॉपेजेस में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और साथ ही इसका एक्सटेंशन भी बल्लार शाह तक नहीं किया जा सका। खैर ट्रेन आगामी कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। ट्रेन कब से चलेगी, ट्रेन की समय सारणी वगैरह ये संपूर्ण जानकारी आप पिछले वीडियो से ले सकते हैं। और अगर आप लोग जर्नी व्लॉग वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर अपना वोट जरूर कीजिएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।